Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम बिना दवाई के हाई बीपी को कैसे क्योर कर सकते हैं। ये हाई बीपी एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर एक बार हो जाती है तो लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसकी मेडिसिन अगर हम नहीं लेते तो हाई बीपी इतना ऊपर हो जाता है, वो अपने आप ही याद करवा देता है कि आज हमने मेडिसिन नहीं ली। तो हाई बीपी को कैसे क्योर करें, वो भी बिना दवाई के, क्योंकि लाइफ टाइम दवाई लेना, मेडिसिन लेना बहुत मुश्किल है। अगर आप भी हाई बीपी की मेडिसिन से बचना चाहते हैं, या फिर जिनको हाई बीपी हो चुका है वो इससे निजात पाना चाहते हैं, आज़ादी पाना चाहते हैं, तो आज हम ऐसे ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर वो ट्रीटमेंट आप फॉलो करते हो तो हाई बीपी बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा और लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले आता है बेलपत्र। बेलपत्र के आपको 5 पत्ते लेने हैं। जैसे कि एक बेलपत्र में 3 छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसी अकॉर्डिंग से 3 छोटे पत्तों को आप एक कंप्लीट पत्ता मानिए। तो आपको 5 बेलपत्र लेने हैं जो कि शिवजी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ये अकेले शिवजी भगवान को चढ़ाने ही मात्र के लिए नहीं है, बल्कि इससे जिनको भी हाई बीपी प्लस शुगर की बीमारी है उनको ये बेलपत्र अगर वो खाते हैं तो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और उनका पेस्ट बना लेना है, किसी भी पत्थर में, पत्थर के द्वारा उसको पेस्ट बना लेना है और एक गिलास पानी में उसे बॉयल कर लेना है। जब वो अच्छे से उबल कर आधा रह जाए तो आप इसे ठंडा करें और सुबह खाली पेट पी लीजिए। आपको मेडिसिन लेने की, शुगर और हाई बीपी की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिनको अकेला हाई बीपी ही है उनको हाई बीपी की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुन की छाल की। अर्जुन की छाल का नाम आपने सुना होगा और इसके जानते हैं क्या क्या बेनिफिट है हाई बीपी के एक्स्ट्रा। जिनके भी ब्लॉकेज है, नसों में ब्लॉकेज है या कोलेस्ट्रोल है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, उनको ये अर्जुन की छाल ज़रूर लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1/2 चम्मच। और ये हाई बीपी को तो बहुत जल्दी क्योर करता है, इंस्टेंटली क्योर करता है। आपको क्या करना है, 1/2 चम्मच ये अर्जुन की छाल का पाउडर लेना है, 1 गिलास पानी में बॉयल करना है। जब पानी आधा रह जाए तो आप इसे गुनगुना ही पी लें, ठंडा करें, गुनगुना होने के बाद इसे पी लें, तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हाई बीपी की, ना ही कोलेस्ट्रॉल की, ना ही यूरिक एसिड की। तो आप इसे फॉलो करके बच सकते हैं हाई बीपी और बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों से। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, इसमें 5 इलाज बताने जा रही हूँ। 5 इलाज ही बहुत आसान है, लेकिन इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ करना है, दोनों नहीं करने, यानी कि डबल डोज नहीं लेनी किसी भी चीज़ की, ना ही 2 इलाज एक साथ करने हैं। इसके बाद बात करते हैं दालचीनी की। दालचीनी मसालों में यूज होती है, लेकिन आपने इसका यूज हाई बीपी को क्योर करने के लिए कर रहे हैं, तो आप 1/2 चम्मच दालचीनी को 1/2 गिलास या फिर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करें और सुबह खाली पेट पी लें, तो हाई बीपी 100% क्योर हो जाएगा बिना मेडिसिन के। इसके साथ अगर जिनको शुगर नहीं है वो इसमें हनी मिक्स कर सकते हैं, बाकी जिनको शुगर है वो हनी मिक्स नहीं करें। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लौकी की जूस की। लौकी का जूस हाई बीपी को क्योर करता है, शायद ये चीज़ सबको मालूम होगी, लेकिन आज हम बताते हैं कि इसे विंटर में कैसे लें और समर में कैसे लें। अगर आप लौकी के जूस का 1 गिलास रोजाना पीते हैं और उसमें 5 पत्ते धनिए के, 5 पत्ते तुलसी के, 5 पत्ते पुदीने के डालकर उसका जूस निकाल के पीते हैं, तो हाई बीपी हमेशा क्योर ही रहेगा, कभी हाई बीपी हाई नहीं होगा। इसके बाद जब सर्दियां आ जाए तो इसमें थोड़ी सी 4 से 5 काली मिर्च जरूर डाल लें, क्योंकि कद्दू की यानी की तहसीर जो होती है, लौकी की तहसीर ठंडी होती है, तो इसकी तहसीर को बैलेंस करने के लिए आप इसमें 4 से 5 काली मिर्च ज़रूर डाल लें, मतलब इतना पाउडर डाल लें कि वो 4 से 5 काली मिर्च का पाउडर हो। अगर आप लौकी का जूस विद धनिया पुदीना और तुलसी ऐड करके ऐसे लेते हैं तो आपको हाई बीपी की मेडिसिन
नहीं लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जिनको हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज है वो भी इससे बहुत बेनिफिट लेंगे। अब पांचवें इलाज की बात करते हैं, वो है गोमूत्र। गोमूत्र हमारे लिए बहुत बढ़िया है, जिनको ये इतनी बीमारियों पर राज करता है, ये कहें कि इतनी बीमारियों को ठीक करता है, अस्थमा हो, मोटापा हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, या फिर डायबिटीज हो, गाउट यानी यूरिक एसिड हो, या फिर जॉइंट पेन हो, स्किन की कोई डिजीज हो, ब्लड में कोई प्योरिटी, ब्लड अनप्योर हो, तो इन सब में काम करता है। लेकिन ये हाई बीपी और लो बीपी दोनों को ठीक करता है। जिनको भी हाई बीपी या लो बीपी है, ये नहीं कि ये मेडिसिन हाई में लेनी है, ये लो में लेनी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गोमूत्र ही एक ऐसी चीज है जो हाई है चाहे लो है, दोनों को क्योर करना है करता है। आप सुबह सुबह 4 चम्मच गोमूत्र लेकर हाई बीपी और लो बीपी दोनों को क्योर कर सकते हैं। इसके अब ये कंप्लीटली 5 इलाज हो चुके हैं हाई बीपी के। आप इनमें से कोई भी एक फॉलो करें, 2 नहीं, और हाई बीपी को क्योर करें और हमेशा के लिए मेडिसिन को बाय बाय बोल दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ सेम टाइम, यानी कि सुबह के 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।